किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है गन्ने की नवीन किस्म कोलक 16202 और कोसा 17231 की पौध 1.5 इंच के गन्ने के टुकड़े कटर से काट करके और पोटरी में मिश्रण बना करके और उसमें डाला गया, बाद में इसको पॉलीथीन से ढका गया है। इसकी तारीख 19 अक्टूबर थी। अभी लगभग 13 दिन की ये पौध हो गई है, अगले 10 दिन में लगाने के लायक हो जाएगी। चूँकि नई किस्मों का बीज कम रहता है, इस तरीके से अगर पौधा तैयार कर लेते हैं तो पौधे स्वस्थ भी मिल जाते हैं, और ऐसी किस्में जिनका बीज कम मिलता है उनको जल्दी से आप प्रसारित भी कर सकते हैं। लगाने का तरीका है, ट्रेंच बनाएं, ट्रेंच 4.5 फीट की दूरी पर यानी 48 इंच की दूरी पर, गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 15 इंच रखनी है यानी 1.25 फीट रखनी है, ताकि प्लांट की पॉपुलेशन बनी रहे। फर्टिलाइज़र का जो डोज है उसमें नाइट्रोजन शुरुआत में डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में आप ट्रेंचिंग कर दें और पूरी डोज नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की डाल दें। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं ऐसी दोनों किस्में हैं जिनका जर्मिनेशन लगभग 100% हुआ है। जितनी बड हमने लगाई थी वो सारी की सारी एक तरफ से आप देख सकते हैं जमी हुई हैं। हाँ, कुछ ऐसी कैविटी हैं ट्रे में जिनका सीड कम था, तो वो कैविटी खाली थी, लेकिन उसको मिट्टी से चूँकि भर दिया गया था ऐसा लगता है कि भरा हुआ है, अदरवाइज जर्मिनेशन पूरा का पूरा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।